हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू VFX VIBE वंस अगेन। सो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो थोड़ा सा लीक से हटके रहेगा, बिकॉज मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए उसमें बहुत सारे कमेंट होते हैं, सजेशंस होते हैं, जिनमें होता है कि सर ये भी टॉपिक कवर करो, ये भी टॉपिक करो कवर करो। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग से सीरीज़ शुरू करी जाए, जो डाउट्स या सजेस्टेड टॉपिक्स हैं उन पर हम वीडियोज़ बनाएँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ, जो लेटेस्ट लास्ट का जो मेरा वीडियो था जो कैमरा प्रोजेक्शन के ऊपर था, उसमें एक सजेशन था एक फॉलोअर का, हमारे सब्सक्राइबर का, कि आपने किस तरीके से माया में वो इमेज इंपोर्ट करके आपने मॉडल किया है उसका एक प्रोसेस बता दें। सो मेरे को बहुत ही अच्छा और शॉर्ट एंड छोटा सा टॉपिक, बहुत ही क्विक हो जाने वाला टॉपिक मेरे को लगा, तो मैंने वो पिक किया। सो आज हम उसी को देखते हैं एंड बिना किसी डिली के शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। सो बहुत ही सिंपल सा रहता है वो फंडा, किस तरीके से आप किसी भी इमेज को इंपोर्ट करके आप मॉडल कर सकते हैं फॉर कैमरा प्रोजेक्शन एंड ऑल। सो शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक कैमरा क्रिएट करेंगे। आप यहाँ क्रिएट पैनल में जाएंगे, यहाँ से कैमरा में जाएंगे और यहाँ पे कैमरा क्लिक करेंगे। कैमरा जैसे ही आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका ग्रिड पे आएगा 00 की वैल्यू पे, आप क्या करेंगे थोड़ा सा कैमरा को पीछे ले लेंगे, राइट, इस तरीके से। सो इसके बाद क्या करेंगे, आप पैनल में जाएंगे, पर्सपेक्टिव में जाएंगे एंड कैमरा वन सेलेक्ट करेंगे। अभी क्या हुआ, कैमरा आपका कैमरे से देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कैमरा क्या देख रहा है, ठीक है। सो इतना होने के बाद, कैमरा सेलेक्ट रखने के बाद, आप कैमरा सेलेक्ट ही रखें, आप उसके बाद जाएं व्यू में, यहाँ पे जाएं इमेज प्लेन में, इमेज प्लेन में जाएं और इसको सेलेक्ट करें इंपोर्ट इमेज। आप मूवी फाइल भी कर सकते हैं, आप इमेज फाइल भी कर सकते हैं। मैं इमेज इंपोर्ट करता हूँ और जाता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे इमेज सेव करके रखी है। नेविगेट करेंगे हम लोग उस फोल्डर में, जैसे यहाँ पे दो वर्जन है आपका, मैश और हाई रेज, तो मैं नॉर्मल ये सेलेक्ट करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू हिट ओके। सो जैसे ही मैंने ओके हिट किया, बेसिकली हुआ क्या, आपका कैमरा जो है वो इमेज मेरी प्रोजेक्ट करने लगा इमेज प्लेन पर, राइट। सो बट बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस इमेज को रीड करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड फ्लोर से कैमरा कुछ तो 5 या 6 फिट की हाइट पे होगा। सो जो कि हमने जो कैमरा प्रोजेक्ट किया है उसमें वो बेसिकली वो चीज़ मिसिंग है, वो हाइट मिसिंग है, कैमरे का पोजीशन मिसिंग है। तो हम लोग मैनुअली कैमरे की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। जैसे मैं मिडिल माउस क्लिक करके एंड आई एम गोइंग टू अगेन सेलेक्ट कैमरा एंड देखोगे तो मैं कैमरे की या ऐसा बोले कि माया के व्यू को एडजस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली कैमरा सेलेक्ट करके मैं मूव कर रहा हूँ तो कैमरा मूव हो रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू एडजस्ट द ग्राउंड प्लेन, राइट, लाइक दिस। सो व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ कि दिस शुड बी आवर ग्राउंड प्लेन, राइट। जैसे मेरे ग्राउंड से मैंने मैनेज कर दिया अपना ग्राउंड प्लेन, लाइक ग्रिड आपका एग्जैक्टली ग्राउंड पे अभी दिख रहा है मेरे को। सो अगेन एक पर्सपेक्टिव व्यू में जाते हैं हम, पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं कि यस एग्जैक्टली ग्राउंड से मेरा कैमरा ऑलमोस्ट डिस्टेंस पे आ गया है। सो इसमें बस यही छोटी सी ट्रिक रहती है कि आप अगर कोई भी प्रोजेक्शन के लिए से मॉडलिंग करते हैं तो मेन चीज़ होती है आपको ग्रिड प्लेन ग्राउंड पे रखना। अगर आपने ये कर दिया तो बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच हो जाएंगी। सो फॉर सेफ्टी पर्पसेस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट ही रखता हूँ और मैं सारे ऑप्शंस को ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड लॉक कर देता हूँ, ठीक है। लॉक सेलेक्टेड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक इसमें और हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कैमरा सेलेक्ट करो, इसके एट्रीब्यूट एडिटर में जाते हैं हम, कैमरा के एट्रीब्यूट एडिटर में कंट्रोल ए, आप यहाँ पे जाएं अगेन हियर इन इमेज प्लेन और यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोग को ऑन करना है जो कि है, वेट फॉर हम ये करके फिट टू अ फिल्म गेट, ठीक है, फिट टू फिल्म गेट और फिट टू रेजोल्यूशन गेट पे हम लोग क्लिक करेंगे।
तो बेसिकली इससे होगा क्या, ये जो हमारा इमेज है वो एग्जैक्टली रेजोल्यूशन गेट पे फिट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे रेजोल्यूशन गेट पे या फिल्म गेट आप जो बोल रहे हैं, बेसिकली ये एरिया है, आप यहाँ से ऑन ही रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो आपने फिल्म गेट और रेजोल्यूशन गेट आपने फिट किया तो बेसिकली पूरी की पूरी इमेज आपको यहाँ पे दिखने लगेगी, जिससे आपको मॉडलिंग और आसान हो जाएगी। जैसे मैं नॉर्मली वो ऑन नहीं रखता हूँ तो आपको इधर की एजेस थोड़ी सी नहीं दिख रही हैं, सो थोड़ा सा कभी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप मॉडल कर रहे हो और वहाँ पे मैच ही ना हो, तो आप हमेशा ध्यान रखें आप इसको ऑन रखें एंड एट्रीब्यूट एडिटर में जाके आपको फिट टू रेजोल्यूशन गेट और फिट टू फिल्म गेट पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद वी आर ऑल सेट टू गो एंड हम यहाँ पे जाएंगे और पॉलीगन में जाके अपनी मॉडलिंग शुरू कर देंगे। जैसे मैं एक नॉर्मल प्लेन लेता हूँ एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ प्लेन, वेट फॉर अ मिनट। I'm going to do it in perspective. So like this. And आप अगर देखेंगे यहाँ पर कैमरा व्यू में जाके तो exactly ये आपका प्लेन ग्राउंड प्लेन से मैच करता हुआ रहेगा। तो बेसिकली दिस इज़ द फंडा, आप इस तरीकों को यूज़ करके एक बार ट्राई करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसको उसका सलूशन देने की। बट आई एम डैम श्योर ये अगर आप यूज़ करेंगे ये टेक्निक तो आप कभी भी प्रोजेक्शन के लिए मॉडलिंग करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप यू गाइज इन्जॉयड एंड मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में एक वीडियो कम से कम डालूँ, जिससे कि आप लोग और से ज़्यादा और आप लोग वीडियोस को देखें और उससे सीखने की कोशिश करें। सो आई गेस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कीप लर्निंग, कीप डूइंग गुड वर्क एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। सो दिस इज़ VFX VIBE साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।